हेलो गाइस, आज आप देख रहे हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ क्या है अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम किस प्रकार, किस अल्फाबेट्स को का जो शब्द होता है, साउंड होता है, वो क्या निकलेगा, यह देखेंगे। अंग्रेजी भाषा को दो भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी भाषा को कितने भाषा में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी भाषा को, हिंदी भाषा को भी दो भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा को दो भागों में बांटा गया है, स्वर, स्वर मीन्स वोवल्स, और क्या है व्यंजन, व्यंजन मीन्स कंसोनेंट्स। इसी प्रकार हम देखेंगे इनका पूर्ण विस्तार, इनका पूर्ण विस्तार इस प्रकार है। वोवल्स मीन्स स्वर, वोवल्स मीन्स स्वर। स्वर के बिना अंग्रेजी शब्द बेजान हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्द निर्माण करते हैं। स्वर और व्यंजन मिल जाते हैं, वही शब्द निर्माण करते हैं। ये आपने हिंदी में भी देखा है। इसलिए स्वरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अंग्रेजी में प्राय प्रमुख 5 स्वर होते हैं। अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं, अंग्रेजी में प्राय 5 स्वर होते हैं। और ये देखेंगे स्वर, ए ई आई ओ यू। इसी प्रकार कंसोनेंट्स मीन्स व्यंजन। अंग्रेजी भाषा में 21 व्यंजन होते हैं और वोवल्स 5 होते हैं। इन व्यंजनों का प्रयोग स्वरों के साथ साथ किया जाता है। इनका जो प्रयोग है स्वरों के साथ किया जाता है। एक एक अक्षर अलग अलग ध्वनियां निकालते हैं, पर उनका शब्दों में प्रयोग होने पर उनका उच्चार ही बदल जाता है। जब उनका शब्दों में प्रयोग होता है तो उनका उच्चार ही बदल जाता है। किस प्रकार बदलता है, 21 व्यंजन नीचे दिए जा रहे हैं, आप उनको समझें। इस प्रकार बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस प्रकार 21 व्यंजन है, ये 21 कंसोनेंट हैं। अब हिंदी के स्वर वर्ण, हिंदी के स्वर वर्ण का क्या है, हिंदी के स्वर वर्ण का देखेंगे हम। हिंदी में कैसे यूज करते हैं हम, आ आ के लिए हम एका यूज करते हैं। हमें किसी का नाम लिखना है अमर, तो अमर जब नाम लिखोगे तो जब आ आएगा उसके लिए आप पहले एका यूज करेंगे। इस प्रकार ऐसे नाम लिखते हैं शहरों के, हैं जो आप लिखते हैं नाम उसमें आ, आ का ए, आ आ बड़ा का डबल ए, ई की आई, ई डबल ई, ऊ का यू, ऊ का डबल ओ, ए ए की ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अंग अंग का ए एन, हा हा का ए आई। इस प्रकार आपने यह समझा। इसको आप बार बार पढ़ोगे तो आपका यह बेसिक क्लास चल रही है, आप इसको पूरी क्लास को बड़े ध्यान से पढ़ें, इससे आपको सब समझ में आएगा। और कहीं आप हमारे साथ ऐसे चलते रहे तो यह इंग्लिश पढ़ना लिखना भी सीख जाओगे। व्यंजन, व्यंजन वर्ण, अब व्यंजन वर्ण को समझेंगे हम। का के, खा का आपको बनाना है के एच, खा का बनता है के एच, गा का जी, घा का जी एच, अड़ा का ए एन जी। एन अकेला बना देते हैं अपन, एन अकेला बन जाता है, मगर ए एन जी होता है सदरूप इसका। कुछ चीजें प्रचलित हो गई हैं तो वही चलती हैं। चा का सी एच, छा का सी डबल एच, जा का जे, छा का जे एच, या का वाय ए एन, या का वाय ए एन। इसी प्रकार टा का टी, था का टी एच, डा का डी, डी बनेगी डा का डी, ढा का डी एच, अड़ा का एन। इसी प्रकार नेक्स्ट और है ता का भी टी बनती है और ता का भी टी बनती है, ता की टी और ता की टी, ता टी, था का टी एच, दा की टी, धा का डी एच, ना का एन, पा का पी, पा का पी एच, वा का पी, वा का पी एच,
मा मा का एम, या का वाय, रा का आर, ला का एल, वा का भी, सा का एस एच। इसी प्रकार हमको इनको बार बार रिवाइज करना है। जो हमारे हिंदी के नियम होते हैं वो हम इस प्रकार, जो संज्ञा है, जो शहर के नियम है वो हम लिख सकते हैं। स का एस एच, सा का एस अकेला होता है, हा का एच, छ छत्री का के एस एच, त्रा का टी आर ए, ता जो तिरा होता है वो ता और रा से मिलकर बनता है। इसमें आधा ता होता है इसलिए टी आई है, और जो रा है उसका आर आ गया और ए आ गया, वोवल्स के साथ ये होता है, वोवल्स व्यंजन के साथ। इसी प्रकार ज्ञा ज्ञानी वाला ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा का आपका बनाया है जी वाई ए, इसका भी वही कारण है ज्ञा ज्ञा का बनता है जागा। और इसी प्रकार बा यह का ज्ञा का जी वाई ए। अब नेक्स्ट जानकारी लेंगे क्या है, आपको यह ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ध्यान रहे कि दो वर्ण डब्लू तथा बाय ऐसे हैं, जो डब्लू और बाय हैं वो ऐसे वर्ण हैं कभी कभी वो, जो कभी कभी स्वर और कभी कभी व्यंजनों का काम करते हैं, कभी कभी स्वर और व्यंजनों का काम करते हैं। ये स्वर उस समय होते हैं जब ये किसी शब्द के अंत में आए, जैसे जब किसी शब्द के अंत में आते हैं तो ये स्वर का काम करते हैं, आप देखेंगे कैसे। इस प्रकार नाव, नाव क्या होता है, जब नाव होता है तो नाव में जो डब्लू है वो स्वर का कार्य कर रहा है, वोवल्स का कार्य कर रहा है, ऊ का। इस प्रकार नाव और वाई, वाई यहाँ ये दोनों शब्द, यहाँ ये दोनों शब्द के अंत में हैं, परंतु यदि ये वर्ण शब्द में पहले आ जाए, यदि ये वर्ण शब्द में पहले आ जाए तो व्यंजन बन जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं वर्क, वर्क और एलो, वर्क और एलो में क्या हुआ है, जो ये लास्ट में है डब्लू तो वो पवल्स बन गया, मतलब स्वर बन गया, स्वर क्या ओ की मात्रा का काम कर रहा है, और जो पहले है बाय वो व्यंजन है, डब्लू पहले है वो आ का कार्य कर रहा है व्यंजन का। इसी प्रकार देवनागरी लिपि में स्वर मात्रा के रूप में बदल कर अक्षर के साथ मिल जाते हैं, परंतु अंग्रेजी में स्वर का स्वरूप नहीं बदलता है, अंग्रेजी में स्वर का स्वरूप नहीं बदलता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक आ की ध्वनिया में, आप यहाँ देखेंगे ए को आ की ध्वनिया में कब कैसे पढ़ते हैं, ए की ध्वनिया, ए की ध्वनिया क्या क्या है यहाँ ये देखो, ए की ध्वनिया क्या क्या हो सकती हैं, आ भी हो सकती है, आ बड़ा भी हो सकती है, ए और ए होती हैं। ए को आप चार प्रकार से पढ़ते हैं, कहीं ए को आ का साउंड भी निकलता है, कहीं ए से आ का साउंड निकलता है, और कहीं ए से ए का साउंड, और कहीं ए का साउंड। इस प्रकार अभी हम फर्स्ट में पढ़ेंगे आ का साउंड, आ मार्च, मार्च यहाँ हमने पढ़ा मार्च, मार्च मीन्स होता है महीना, लास्ट, लास्ट मीन्स अंतम, तो अंतिम है अंतिम, अरेंज, अरेंज मीन्स प्रबंधन करना, अलोन, अलोन मीन्स अकेला, जो ये है यहाँ ये है जो ये अरेंज, अरेंज मीन्स प्रबंधन करना है, ये आ का साउंड कर रहा है, अलोन मीन्स अकेला, यहाँ आ का साउंड निकल रहा है। इसी प्रकार आप थोड़ा ऊपर देखेंगे यहाँ मार्च, जो ये ए है ए बड़ा आ का साउंड निकल रहा है मार्च, और यहाँ लास्ट ये भी बड़े आ का स्वर निकल रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे आप यहाँ भी आ की ध्वनियाँ, ए को आ की ध्वनियाँ कब पढ़ते हैं, कब साउंड आता है, स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉल, स्मॉल भी बोल देते हैं, स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, यह ए का साउंड कर रहा है, वाल, वाल मीन्स गैन। इसी प्रकार आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट जो होता है, आर्किटेक्ट भवन निर्माण करता, जो भवन निर्माण करता होता है, यहाँ आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और आप इसके एग्जाम्पल से इसको भी समझोगे। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट में क्या हो रहा है, ये बड़ा आ का कार्य कर रही है ए। इसी प्रकार आर्ट, आर्ट मीन्स होती है कला, आर्ट, आर्ट मीन्स कला है। इसी बार नेक्स्ट देखेंगे, इसी प्रकार आपको ये पूरे रूल्स याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, आप इनको बार बार पढ़ें और बार बार ध्यान से देखें कब हमको एक का साउंड, जो एक का साउंड है वो ए आता है। अभी हमने एक का साउंड आ देखा, एक का साउंड हमने अभी क्या देखा, एक का साउंड हमने अभी
आ देखा और आ देखा, ये हमने ए का साउंड देखा। अब इस प्रकार हम ए का साउंड ए देखेंगे। केयर, केयर मीन्स परवाह। एफ, एफ मीन्स बंदर, बंदर को एफ बोल देते हैं। एफ मीन्स बंदर। डेयर, डेयर मीन्स साहस करना। एक, एक मीन्स दर्द महसूस करना, दर्द महसूस करना। इस प्रकार यहाँ भी आप समझोगे सी एच का जो मीन्स है वो का निकल रहा है। आप इसके भी रूल्स बाद में देखोगे, आपको डरना नहीं है। ये रूल्स अभी लगते हैं कि ये कैसे हो रहा है, हम कैसे समझेंगे कि ये को कब हमको ए पढ़ना है, ए को कब हमको आ पढ़ना है, कब आ पढ़ना है। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है कि सब रूल्स हैं जो समझ में, हर चीज़ का एक एल्गोरिथम होता है और रूल्स होते हैं वो हमको समझना पड़ते हैं। एफ मीन्स बंदर, आपने ए ए साउंड देखा है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट रूल्स पर चलेंगे। नेक्स्ट रूल्स है अपना ए। अब हम ए को ए की ध्वनि में समझेंगे। इसका साउंड अब ए निकलेगा। इस प्रकार आप देखेंगे एस, एस मीन्स होता है गधा। मैन, मैन मीन्स होता है आदमी। मैन, मैन मीन्स होगा आदमी। यहाँ हमको ए का साउंड आ रहा है, ए का, ए का, ए का साउंड आ रहा है ए का। पे, पे मीन्स वेतन। पे, पे मीन्स मार्ग। पे, पे मीन्स मार्ग। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल्स पर चलेंगे। आपको इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये लर्न हो जाएंगे। अब हम एक हो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक फोर रूल्स थे, आ आ और ए और ए, फोर रूल्स थे। अब हमने ये को कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए हैं ई पर। ई का क्या है, ई का साउंड ई, ई ए ध्वनियाँ होती हैं। अब आप देखोगे, अब आप देखोगे कि ई का साउंड भी ई है, बड़ी है और ए है। हम पहले पढ़ेंगे ई, ई का साउंड ई की ध्वनियों में, ई के साउंड में। बिगिन, बिगिन मीन्स होता है प्रारंभ करना। तो बिगिन मीन्स है वो है क्या है, प्रारंभ करना। अब यहाँ बी गिन जो साउंड है, देखो आई का साउंड भी ई आ रहा है यहाँ, और ई का साउंड भी जो ई है इसका साउंड भी ई आ रहा है, बिगिन। इस प्रकार नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे अपन। इलास्टिक क्या है, इलास्टिक, इलास्टिक में जो इलास्टिक, इलास्टिक में ई का साउंड छोटी ई आया है। लचकदार, इलास्टिक मीन्स होता है लचकदार। आपकी वोकैबुलरी भी तैयार हो रही है, वोकैबुलरी भी ध्यान से देखते जाएं और रूल्स भी समझते जाएं। वी होल्ड, वी होल्ड, वी होल्ड में आप देखेंगे जो ई है, जो ई है वो छोटी ई का कार्य कर रही है, वहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है वो आप कार्य कर रही है। वी होल्ड, वी होल्ड मीन्स होता है देखना। इसी प्रकार इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। यहाँ भी छोटी ई का कार्य कर रही है इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। इसी प्रकार अब नेक्स्ट रूल्स है। नेक्स्ट रूल्स में आप देखोगे ई, बड़ी ई की ध्वनि में किस प्रकार साउंड होता है। ई, ई का ई बड़ी ई की ध्वनि में, ध्वनि में मतलब साउंड में आप देखोगे इस प्रकार मी, मी जो मी है, जो ई है वो बड़ी ई का साउंड निकाल रही है। मी, मी मीन्स मुझे। रीगल, रीगल मीन्स शाही। रीगल, रीगल मीन्स शाही। ही, ही मीन्स वह, वह पुरुष, पुरुष के लिए ही आता है। सी, सी मीन्स वह, वह स्त्री, स्त्री के लिए, स्त्री के लिए सी आएगा, पुरुष के लिए वह आता है। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल्स पर चलेंगे। नेक्स्ट रूल्स में हम पढ़ेंगे ई का साउंड ए। अभी हमने ई का साउंड ए की ध्वनि हमने पढ़ ली है वहाँ पर, इसमें और है। यहाँ देखेंगे देयर, देयर मीन्स वहाँ। दे, दे मीन्स वे। हेयर, हेयर मीन्स यहाँ। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। इस प्रकार आप देखा ये हमने ई को ए की ध्वनि में प्रयोग किया, इसका साउंड यहाँ ए आया। आपने देखा देयर वहाँ, ये आपकी वोकैबुलरी भी ध्यान से देखते जाएं हैं। दे मीन्स वे, हेयर मीन्स यहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल्स पर चलेंगे। नेक्स्ट रूल्स का मीन्स है हमने ए, हमने ए और ई को कंप्लीट कर लिया है, हमने ए और ई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमको कंप्लीट थर्ड नंबर पर आ गए हैं, यहाँ है आई। आई की क्या क्या साउंड आएंगे, आई के साउंड देखेंगे आप। आई के साउंड क्या क्या रहेंगे, आई के साउंड हैं ई, ई, आई, आए, आ,
की ध्वनियों में इस प्रकार की ध्वनियों आप देखने को मिलेंगी आपको आई की ध्वनि क्या क्या होंगी, ई भी हो सकती है, ई होगी, आई और आय। इस प्रकार नेक्स्ट उस पर इसके रूल पे चलते हैं। फर्स्ट पर आई, आई की ध्वनि सबसे पहले ई, छोटी ई की ध्वनि में किस प्रकार प्रयोग होती है हम देखेंगे। इनकम, इनकम, इनकम मीन्स होती है आय। बार बार आप रिपीट करोगे, बार बार तो आपको लर्न होगा, आपको एग्जाम्पल लर्न हो जाएंगे, आपको ध्यान रहेगा कि इनकम में आई का वो साउंड निकलता है और कोई दूसरा संबंधित मिलेगा तो आपको लगेगा कि उसी जैसा है। इनकम, इनकम मीन्स आई। इनटू, इनटू मीन्स अंदर। यहाँ जो आई है वो छोटी ई का साउंड आ रहा है, आप देख रहे हो ये छोटी ई है, ये आई है। इनसाइड, इनसाइड मीन्स होता है अंदर। इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर। इसी प्रकार आप इन, इन मीन्स मैं, इन मीन्स मैं, यहाँ भी छोटी का साउंड आ रहा है। इसी प्रकार अब आई, आई का साउंड जो आई है उसका साउंड ई, ई मीन्स बड़ी ई की ध्वनि में प्रयोग करेंगे। बड़ी ध्वनि में क्या होगा आप देखिए। यूनिक, यूनिक मीन्स अनोखा। यूनिक, यूनिक मीन्स अनोखा। अचीव, अचीव मीन्स है प्राप्त करना। अचीव, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना। यहाँ जो आप देख रहे हो एच के बाद में आई दिख रही है, ये आई यहाँ बड़ी ई का कार्य मतलब साउंड निकाल रही है। अचीव, अचीव, अचीव मीन्स होगा प्राप्त करना। इसी प्रकार इंट्रिंग, 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 इंट्रिंग मीन्स होता है षड्यंत्र। जो किसी के ऊपर षड्यंत्र रचते हैं लड़ाई का, मतलब नेगेटिव में ही आता है षड्यंत्र शब्द। तो यहाँ पर इंट्रिंग, जो ट्री, ट्री दिया है यहाँ जे आई, आई बड़ी ई का साउंड निकाल रही है इंट्रिंग। इसी प्रकार रिसीव, रिसीव मीन्स होगा प्राप्त करना। रिसीव, यहाँ रिसीव में आई, आई है। इसी प्रकार आई की ध्वनि में अब हम आई, आई की ध्वनि को आई साउंड में देखेंगे। आई साउंड में क्या होता है इसका। माइट, माइट क्या है, माइट में आइट, आइट जो ये आ है, जो माँ पर जो आ लगा है वो आ ऐसे निकाल लो, बड़ा आ है और ये आई हो गई, तो अपने आया आई, ये आई हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक गए आई। तो इसमें आप क्या देखोगे, आई को देखोगे, माइट, माइट। आप काइट को समझेगा, काइट को की आई टी, काइट। इसी प्रकार माइट, एम आई डी एच टी, माइट। माइट मीन्स होता है शक्तिशाली। ए हाँ मात्रा लगना थी, थोड़ी गड़बड़ हो गई, शक्तिशाली। काइट, काइट मीन्स पतंग, काइट, काइट मीन्स पतंग। राइट, राइट मीन्स होता है सही। राइट, आर आई जी एच टी, राइट, राइट मीन्स सही। यहाँ आई, आई साउंड आ रहा है। फाइट, फाइट मीन्स लड़ना, फाइट, फाइट मीन्स लड़ना। इसी प्रकार आप नेक्स्ट में आई का रूल्स देखोगे। आई को अभी आई पढ़ा, अब आई को आय पढ़ेंगे। आई का साउंड क्या निकलेगा, आय। आई की ध्वनि में इसे देखेंगे, आई की ध्वनि में कैसे। फायर, फायर, आय, आय, अब क्या है आय। फायर, फायर मीन्स आग। फायर, फायर मीन्स आग। मायर, मायर मीन्स दलदल। यहाँ आय का साउंड आ रहा है आई से। हाय, हाय मीन्स किराए पर लेना। हायर, हायर होता है हायर, आय, हाय नहीं होता है, हायर होता है, हायर, हायर। हायर मीन्स, टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर दी है, टाइपिंग वाले भैया से बोलना पड़ेगा। हायर, हायर मीन्स किराए पर लेना। डायर, डायर मीन्स भयानक। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल्स पर चलेंगे। आई, आई का यूज हम, आई के जो साउंड है वो अंक का साउंड निकलेगा। आई अंक की ध्वनि में इसका प्रयोग करेंगे। फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स पहला। जो आई है वो फर्स्ट। फर्म, फर्म मीन्स पक्का। इस प्रकार यहाँ हमने यूज किया। अब हमने और यो ओ, ओ की हम क्या क्या साउंड आएंगे, ओ के ओ से ओ आएगा, ओ आएगा, ऊ आएगा, ऊ आएगा और आओ। ध्वनियों में इसका प्रयोग होगा। फर्स्ट पे देखेंगे ओ का साउंड, ओ की ध्वनि में जो ओ का साउंड है वो ओ की जो है उसकी ध्वनि में आप देखेंगे। ओपन, ओपन मीन्स खुला। ओपन मीन्स खुला, जो ओ है उसका साउंड ओ ही आ रहा है। ओपन, ओपन मीन्स खुला। लोकल, लोकल मीन्स स्थानीय, जो स्थानीय होते हैं लोकल बोलते हैं। होल्ड, होल्ड मीन्स पुराना।
ओल्ड 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 मीन्स पुराना, ओल्ड ओल्ड मीन्स पुराना, ओरिजन ओरिजन मीन्स, ओरिजन मीन्स होता है उत्पत्ति, ओरिजन ओरिजन मीन्स उत्पत्ति। इसी प्रकार यहाँ पर ओ का साउंड ओ ही पढ़ा। ऑब्जेक्ट 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 मीन्स पदार्थ। ऑर्फन ऑर्फन मीन्स अनाथ। अच्छी वोकैबुलरी है, इन चीजों को बार बार करते रहे। ऑर्फन वो नया वर्ड है, ऑर्फन मीन्स अनाथ। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स पदार्थ। इसी प्रकार ओ का नेक्स्ट रूल्स देखेंगे। ओ का जो साउंड है ओ, ओ में हम देखेंगे ओ, ओ की ध्वनि में इसका प्रयोग करेंगे। ऑन ऑन मीन्स ऊपर, ऑन मीन्स ऊपर होता है। यहाँ ओ का साउंड ओ आया है। ऑक्स 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 मीन्स बेल, ऑक्स ऑक्स मीन्स बेल। इसी प्रकार नेक्स्ट रोल जो रूल्स है ओ का उसे देखेंगे। ऊ का रूल्स है ऊ, ऊ ऊ ऊ यू की ध्वनि में इसका प्रयोग होगा। टुक टुक मीन्स लिया, टुक टुक मीन्स लिया। सुक सुक मीन्स हिलाया। यहाँ आप एक बात और देख रहे हो, छोटा ऊ है मगर डबल ओ का प्रयोग किया जा रहा है। टुक टुक मीन्स लिया, सुक सुक मीन्स हिलाया, कुक कुक मीन्स पकाना, लुक लुक मीन्स देखना। इस प्रकार यहाँ हमने ओ का यूज ऊ में किया, ओ में डबल ओ का यूज किया ऊ में। अब नेक्स्ट रूल्स में है ओ का जो साउंड है ऊ निकलेगा, बड़ा ऊ ओ यू की ध्वनि में प्रयोग करेंगे। रूम रूम मीन्स कमरा। बड़ा अटपटा लग रहा होगा देखकर, जो छोटा ऊ था उसका भी डबल ओ बना दिया, जो बड़ा ऊ था उसका भी डबल ओ। ये इंग्लिश है, हमने नहीं बनाई इसको, हमका एक ही काम है हमारा, इसको हम बार बार प्रैक्टिस करें, इसके रूल्स को समझें और इसके रूल्स हमको लर्न हो जाएंगे। रूट रूट मीन्स जड़, रूट रूट मीन्स जड़। बच्चे पहले ही रूल्स देखकर बहुत थक हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये तो एक सा लग रहा है। लूट लूट मीन्स लूटना। सूट सूट मीन्स गोली मारना। इसी प्रकार बार बार रिवाइज करें। ओ जीरो से लेकर आप हमारी क्लास आने वाली हैं, आगे वाली क्लास पढ़ते रहें, आपको वन बाई वन समझ में आता जाएगा। ओ का यहाँ साउंड आओ की ध्वनि में प्रयोग होगा। ओ का जो ध्वनि है वो आओ आएगी, आप देखिए। आउट आउट मीन्स बाहर, आउट आउट मीन्स बाहर। साउट साउट मीन्स चिल्लाना। यहाँ हमको आउट आउट का साउंड आ रहा है ओ का। गाउट गाउट मीन्स गठिया। लाउड लाउड मीन्स ऊंचा, बोलते हैं लाउड स्पीकर, मतलब ऊंचा ऊंची आवाज सुनना। इसी प्रकार जो ओ का साउंड है वो अंग आएगा। अभी आई का साउंड भी अंग आया था, बड़ी विडम्बना है, अकेले हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं हारना, बार बार रूल्स को समझना है, आगे चलते जाना है। अंग की ध्वनि में हम ओ का यूज करेंगे। कंसर्न 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 मीन्स होती है चिंता। कन्फर्म कन्फर्म मीन्स पक्का। कम कम मीन्स आना। सन सन मीन्स पुत्र। इस प्रकार यहाँ हमने इसका जो साउंड है ओ का अंग का साउंड आया हल्का सा, इसलिए कंसर्न। इस प्रकार यहाँ हमने इसको यूज किया। नेक्स्ट पर चलेंगे। यहाँ अब हमें आ गया फाइव वाला साउंड यू। यू का क्या है, यू यू में हम आ का भी साउंड आएगा, आप देखेंगे। ऊ का भी साउंड आएगा, ऊ का भी साउंड आएगा, यू का भी आएगा, की ध्वनियों में इसका प्रयोग होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे यू आ की ध्वनि में, सबसे पहले हम यहाँ आया है, वन बाई वन चल रहे हैं। यू को आ की ध्वनि में प्रयोग करेंगे, साउंड इसका आ आएगा। अन टू अन अन जो यू है वो आ का साउंड आ रहा है। अन टू अन टू मीन्स उधर, अन टू मीन्स मैं। अप टू मीन्स तक। कट कट मीन्स काटना। वट वट मीन्स लेकर। इसी प्रकार यहाँ पर छोटे आ का साउंड यू का आया। नेक्स्ट रूल्स में देखेंगे यू यू का साउंड यहाँ ऊ आएगा। यू ऊ की ध्वनि में प्रयोग होगा। सुपर सुपर मीन्स श्रेष्ठ। सुपर सुपर मीन्स श्रेष्ठ, यहाँ ऊ का साउंड आया। डुप्लीकेट डुप्लीकेट मीन्स नकली। डुप्लीकेट मीन्स नकली। सुपीरियर
सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स अधिक, मीन्स अधिक अच्छा, जो सुपीरियर होता है, सुपीरियर बोलते हैं वो अधिक अच्छे के लिए बोलते हैं, वेरी गुड के लिए। पुट, पुट मीन्स रखना, पुट पुट मीन्स रखना। नेक्स्ट रूल्स पर चलेंगे, नेक्स्ट रूल्स है हमारा यू का ऊ, ऊ बड़ा ऊ की ध्वनि में प्रयोग, इसका यू का जो साउंड है वो ऊ आएगा ऐसे, रूरल, रूरल है जो रू है जो बड़ा यू का साउंड आ रहा है, रूरल, रूरल मीन्स ग्रामीण, रूलर, रूलर मीन्स शासक, रूबी, रूबी मीन्स लाल मणि, जो लाल मणि होती है हीरा मोती जवाहरलाल भाई आती है लाल मणि, रूल, रूल मीन्स नियम, रूल्स, रूल्स मीन्स नियम होते हैं आपको आता ही है, रूल्स, रूल्स मीन्स नियम। इसी प्रकार आप नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हम यू का जो यूज है वो यू में होगा, यू में, यू की ध्वनि में इसका प्रयोग होगा, यूनियन, यूनियन मीन्स एकता, एम्यूज, एम्यूज मीन्स मनोरंजन करना, यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन्स होता है इकट्ठे, इकट्ठे होना, म्यूज, म्यूज मीन्स सरस्वती। इसी प्रकार आपने देखा, आपने इन पांच स्वरों के अतिरिक्त दो वर्ण और होते हैं तबलू तथा वाय, ऐसे हैं जो कभी स्वर और कभी व्यंजनों का काम करते हैं, ये स्वर उस समय बन जाते हैं जब ये किसी शब्द के अंत में आते हैं, जैसे नाव और स्काई, स्काई, स्काई है बन गए स्वर, आकाश, स्काई मीन्स आकाश होता है, यहाँ ये दोनों वर्ण शब्दों के अंत में आते हैं, परंतु यदि ये दोनों वर्ण किसी शब्द से पहले आए, किसी शब्द से पहले आ जाए तो व्यंजन बन जाते हैं, जैसे वेयर, वेयर में जो वेयर इतना ही पाया है, वेयर मीन्स छे, एस, एस मीन्स जी हाँ। इसी प्रकार यहाँ हमने देखा जे व्यंजन का साउंड आया, इन दोनों, इन दोनों जगहों डब्लू तथा वाय व्यंजनों का काम कर रहे हैं, ये दोनों जगह ये व्यंजन का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार डब्लू छोटे ऊ की ध्वनि के रूप में भी यूज होता है, किस प्रकार, ऐसे नाव, नाव, नाव मीन्स जो नाव है, नाव मीन्स अब, पाउडर, पाउडर मीन्स चूरण किसी का, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, काव, काव मीन्स गाय, तो काव है, काव मीन्स गाय। इसी प्रकार पाय, ई, आई, आई की ध्वनियों में, पाय ई की ध्वनियों में प्रयोग की जाती है, हम देखेंगे। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, यहाँ बड़ी ई के साउंड में हम पाय को देख पा रहे हैं, लिबर्टी मीन्स आज़ादी। हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स जायदाद, आपकी वोकैबुलरी भी तैयार हो रही है। पॉलिसी, पॉलिसी मीन्स नी, जो पॉलिसी होती है वो नियमित कुछ कार्य करते हैं, नियमित होती है, नियमित। इसी प्रकार पॉलिसी हो गई आपकी। पाय, पाय का यूज आय की ध्वनि में किया जाता है, ऐसे आप देखेंगे टाइफाइड, टाइफाइड मीन्स होता है म्यादी बुखार, टाइफाइड मीन्स म्यादी बुखार। टायर, टायर मीन्स टायर। इसी प्रकार वाय का हम यूज अभी आय में किया, आई की ध्वनि में भी करेंगे, आई की ध्वनि में आप देख पाएंगे डाइक, डाइक मीन्स होता है पुल, आई की ध्वनि आई है। जाइव, जाइव मीन्स बंधन डालना, जाइव, जाइव मीन्स बंधन डालना है, आपकी पूरी वीडियो हो गई है। आप यहाँ आपने देखा, इसको बार बार रिवाइज करें, ये जो रूल्स हैं उनको बार बार रिवाइज करें और आपको ये लर्न हो जाएंगे, इनको आप जो साउंड दिए हैं ये इनको भी बार बार पढ़ते रहें, ये आपको लर्न हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। ऐसे हम अभी हमारी है दूसरी वीडियो है, हम इस वीडियो को एक लाइन से चल रहे हैं, आपको यह धीरे धीरे सब आने लगेगा, बस आप बड़े धैर्य से ये वीडियो को पूरी देखें, पूरी पढ़ें, सुनें, समझें, ध्यान से रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।